सच साहस सरोकार। डोनबास में बड़े हमले की आशंका, एयर रेड सायरन ने बढ़ाई चिंता। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर को देंगे 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात, पल्ली गांव में ऐसी है तैयारियां। पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू के सांबा जिले में पीएम मोदी आज पंचायतों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के पल्ली रैली स्थल से 8 किलोमीटर दूर प्रताप सिंहपुरा ललियाना में संदिग्ध विस्फोट, पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मौसम में अगले 4 दिनों में दिखेगा बड़ा बदलाव, दिल्ली सहित कई राज्यों में तापमान बढ़ेगा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। वो जम्मू के सांबा जिले में होने वाले पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नरेंद्र मोदी राष्ट्र पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेंगे, साथ ही देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि पंचायत के हजारों प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा और देश की जिन भी पंचायतों ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया होगा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक खेत में विस्फोट सामग्री मिली है। बता दें कि ये एक्सप्लोसिव जिस स्थान पर मिला है वो दोपहर में होने वाली रैली स्थल से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित है। हालांकि पुलिस मामलों की जांच कर रही है। जम्मू के बिश्नाह के ललियाना गांव में संदिग्ध विस्फोट मिलने की जानकारी है। खबर मऊ से है, जहां लकड़ी से चूल्हे पर खाना बनाने के समय चूल्हे से चिंगारी निकली और छप्पर में आग लग गई। परिजन आग बुझाने में लगे थे कि उसी दौरान पास में रखे गैस सिलेंडर में भी आग लग गई, जिससे सिलेंडर फट गया और 8 साल का बच्चा चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम पड़ेरुआ में थाना मोहम्मदाबाद गोहना में घर में आग लगने की सूचना मिली थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि 5 लोगों का घर जल गया है। सबसे दुखद बात यह है कि एक बच्चा इरफान जो 8 साल का था उसके घटनास्थल पे ही जलने से मृत्यु हो गई है। प्रशासन जो राहत कार्य में लगा हुआ है और जो भी नियमानुसार सहायता है और हम उसको करेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर शराब के नशे में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो परिवार के लोगों पर उस पर हावी हो गए, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही भारी बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। खबर गाजियाबाद से है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए कैंप कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक और जनपद के सभी अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें एसएसपी ने आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के संबंध में पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त और पॉइंट्स बनाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग का भी निर्देश दिया गया है। अलीगढ़ पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां ट्रक में छिपाकर गांजा तस्करी करी जा रही थी तो वहीं 2 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन नार्को के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना गांधी पार्क पुलिस ने NH-91 बोनेर तिराहे पर चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली गई, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में ट्रक के अंदर एक केबिन से मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 14 से 15 लाख बताई जा रही है। थाना गांधी पार्क को एक सूचना मिली थी जिसमें एक ट्रक में अवैध गांजे के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया था। इसमें ट्रक तथा 28 पैकेट नशीला गांजा
और 8 लोहे की मोटरें जिनको ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में ये गांजा ले जाया जा रहा था को पुलिस ने बरामद कर लिया है तथा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और पूछताछ के आधार पर 2 अन्य व्यक्ति के नाम प्रकाश में आए हैं जिनको तस्दीक किया जा रहा है और उनके तस्दीक के बाद उन पर दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना गांधी पार्क को एक सूचना मिली। खबर गाजीपुर से है जहां आगामी त्योहार ईद अक्षय तृतीया को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में डीएम एसपी जनपद में शांति समिति के साथ बैठक की जिसमें सभी धर्मों के और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान जिला प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही ये भी आदेश दिया कि बगैर अनुमति के कोई भी जुलूस शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी और हाईकोर्ट और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। पवित्र रमजान का त्यौहार चल रहा है और 3 तारीख को अक्षय तृतीया का भी त्यौहार है। वर्तमान में और आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शांति समिति की आज यह बैठक बुलाई गई थी। इसमें शांति समिति के सभी पदाधिकारीगण थे, व्यापार मंडल के लोग थे और सभी धर्मों के अनुयायी लोग थे। यहाँ कोतवाली में बैठकर सबसे विचार विमर्श किया गया, सबकी समस्याएँ जानी गई, सबके विचार विमर्श लिए गए और एक अच्छे वातावरण में बैठक हुई। सबको शासन के और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया और सभी से अपील की गई कि वो आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। जो रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली की अक्षय तृतीया और ईद एक ही दिन पड़ेंगे, इसके बारे में मीटिंग बुलाई गई थी, जन समस्याओं को सुना गया, सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएँ बताईं, इसमें कुछ सुरक्षा से भी संबंधित थी तो हमने एश्योर किया है कि पूरी सुरक्षा उनको दी जाएगी और वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ भी देंगे और इस सारे जो त्यौहार हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सबसे पॉश इलाके कौशाम्बी में पार्क में मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां लोगों ने मोमबत्ती जलाकर मासूम को श्रद्धांजलि दी और बच्चे की मौत का खुलासा करने के लिए न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि 21 तारीख की शाम को 14 साल के मासूम का शव पार्क में मिला था और उसके बाद अब तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जबकि परिजन मृतक के दोस्त पर हत्या करने की आशंका जता रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश मऊ रामेश्वर के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली मऊ में व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय और रिमांड स्तर पर प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं इस दौरान यह आदेश दिया गया कि महिलाओं की गिरफ्तारी किसी महिला पुलिस द्वारा ही की जाए और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तारी नहीं की जाए, जबकि इस विधेयक साक्षरता शिविर में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता सौरभ राय समेत जनपद के कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। हर इंसान टॉर्चरस हो रहा है, कोरोना काल रहा है, लोगों की आर्थिक तंगी आई है, लेकिन सबसे पहले इसमें मैंने सीएमओ साहब से वार्ता करके जो ये रखी है चीज़ें कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आमजन से तो पहले है कि अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए योगा पे थोड़ा ध्यान दें। मैं अभी जेल निरीक्षण गया था तो उसमें भी बताया योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करें, पहले हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहा गया उसको फॉलो करें और कुछ इस तरह की लीगल वे में समस्या आती है कोई चीज़ तो हमारे स्तर पर मैं उनके लिए हमेशा तत्पर हूँ। खबर रायबरेली से है जहां तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग का विरोध करने पर युवकों ने पूर्व सैनिक को घायल कर दिया, जिसके बाद सैनिक को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की पॉइंट टेबल में एक बार फिर गुजरात टाइटंस टॉप पर पहुंच गई है। रोमांचक मुकाबले में केकेआर को 8 रन से हराने के साथ ही गुजरात ने अपनी पोजीशन फिर से हासिल कर ली है। गुजरात की टीम ने इस आईपीएल में अब तक महज एक मैच गंवाया है। टीम के खाते में 6 जीत के साथ 12 अंक है। ये टीम प्लेऑफ की दौड़ में सबसे आगे चल रही है। तो वहीं आईपीएल में शनिवार को खेले गए एक अन्य मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी पर एक तरफा जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो वहीं सनराइजर्स ने आरसीबी को इस मैच में 9 विकेट से शिकस्त दी है। ये
सनराइजर्स की इस सीजन की लगातार पांचवी जीत है। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के 10-10 अंक है। गुजरात के साथ ये तीनों टीमें टॉप फोर में शामिल है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।